बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। महादेव सत्याप मामला, आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई जहां 7 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां महादेव सत्याप मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है। 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और इस दौरान मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, क्या कुछ रहा इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए महादेव सत्याप के लेकर के जो सभी आरोपी हैं उनकी पेशी आज थी और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और इसके बाद अभी दोनों उभय पक्षों की जो तर्क है वो जारी है। और इसमें अगर आरोपी की बात करें तो चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर है, भीम सिंह यादव और गिरीश तलरेजा, सूरज चौखानी, असीम दास, नितिन और नितिन दीवान सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है और अभी सुनवाई है चल रही है। उन्हें फिर से रिमांड पर भेजा जाए या फिर और क्या होगा, किस तरह से जो विपक्ष के वकील है, विरोधी वकील है और जो बचाव पक्ष के वकील है, दोनों के बीच अभी जीरा है तो जारी है। जी बिल्कुल, और महादेव सत्याप मामला है और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से महादेव सत्याप मामले में 7 आरोपी कोर्ट में पेशी हो चुकी है। वही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरोपी त्रिलोक ढिल्लन और अरविंद सिंह की आज कोर्ट में पेशी, जहां ईडी ने किया था गिरफ्तार। कोर्ट ने 6 जुलाई तक दोनों को भेजा था रिमांड पर और आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। दोनों की रिमांड आज खत्म हो रही है और उसके पहले ईडी कोर्ट में पेश करेगी त्रिलोक सिंह ढिल्लन और साथ ही अरविंद, दोनों के ही शराब घोटाले को लेकर पेशी होनी है। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने 6 जुलाई तक दोनों को रिमांड पर रखा और आज ईडी कोर्ट में इन्हें पेश करने की तैयारी कर रही है। दोनों की रिमांड आज खत्म हो रही है और उसके पहले दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जशपुर में महिला की हत्या का मामला सामने आया, जहां खाना नहीं बनाने को लेकर हत्या कर दी गई। पति ने पीट पीट कर हत्या की। महिला के खाना नहीं बनाने से पति काफी नाराज था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो बागबाह थाना क्षेत्र के कार्डरो की ये पूरी घटना बताई गई है। आरोपी युवक को आप देखिए, जिसने अपनी पत्नी की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी क्योंकि उसने खाना नहीं बनाया था। थाना बागबाहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काडरो निवासी राम कुमार नाग ने अपनी पत्नी स्वर्गीय उर्मिला नाग की हाथ मुक्के तथा लकड़ी के फाड़ी से संघातक चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी गई। इस पर थाना बागबाहर में अपराध क्रमांक 123/2024 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है और अपराध सबूत पाए जाने से अभियुक्त राम कुमार नाग को विधिवत न्याय के प्रक्षा में भेज दिया गया है। और संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, एक छोटा सा विवाद कि पत्नी खाना नहीं बना रही थी और इस बात से इतनी ज्यादा नाराजगी कि आरोपी युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जी मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है बागबाहर थाना क्षेत्र के काडरो गांव का है और काडरो गांव का जो ये आरोपी है ये शराबी बताया जा रहा है। अक्सर ये शराब के नशे में था और आज भी जो है ये जो आरोपी है इसने घर पहुंचकर अपने अपनी पत्नी को खाना बनाने को कहा और पत्नी जो है वो गुस्से में थी क्योंकि इसने फिर से शराब पिया हुआ था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने खाना न बनाने के बात पर विवाद करते हुए उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। तो अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि आरोपी जो पति है उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आपको जांजगीर चांपा के डोंगा कोहरोद गांव की ऐसी सड़क दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सड़क है कहां, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये कोई नहीं बता सकता। जी हां, बलौदा बाजार से रायपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। और तो और सोचने वाली बात तो ये है कि सिर्फ तीनों
3 किलोमीटर के इस मार्ग को सुधारने में बीते 5 सालों से काम किया जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर क्या हो रहा है वो आपके सामने है। बता दें कि इस सड़क को पार करने से कई ग्रामीण हादसों का शिकार हो चुके हैं। भारी वाहन प्रवेश निषेध के बाद भी धड़ल्ले से ओवरलोडेड ट्रक हाईवे यहां से चलाए जाते हैं। साथ ही अब सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीण उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। पामगढ़ जा रही थी तो मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए ना मेरे इस बार का मार्क्स कम आया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ उन्हीं को देना चाहूँगी जो इस रोड को बनने नहीं दे रहे हैं। देखो, समस्या ये है कि यहाँ पे बहुत गड्ढे वगैरह हैं और 3 से 4 बार ज़्यादा रिपेयरिंग हो चुका है, फिर भी रास्ता जो है ठीक नहीं है। और यहाँ पे बाइक से अगर पामगढ़ पढ़ने जाओ तो गड्ढे के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और मेरा पैर भी एक बार टूट चुका था, उससे मैं 6 महीना स्कूल नहीं जा पाया, उससे मेरा मार्क्स थोड़ा कम आया। क्या मतलब स्कूल जाए में परेशानी है, हर चीज़ में परेशानी है। सबसे बड़े समस्या है तो अभी स्कूले जाए के परेशानी दिखा थे मोर नज़र में। लड़का मतलब एक गड्ढा में लेके अगर गाड़ी वाला भी जाते तो बाइक में जगह जगह गिरा थे, अगर कार वाला भी जाते ओहू ला जगह जगह गड्ढा है तो ओहू में परेशानी है। कलेक्टर के आदेश होए के बाद भी एम रिपेयरिंग के काम हो ही कहीं से 4 हाईवा गिट्टी ले गिरा दिस और आगे कोई कार्य नहीं, वो रिपेयरिंग हो गयो। ओकर बाद एम बाहरी वाहन प्रवेश निषेध जगह जगह बोर्ड लगे, ओकर बावजूद रोजाना बड़े बड़े गाड़ी धड़ल्ले से चलत है, एकर पर कोई सुनवाई नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं पामगढ़ के सजहा रोड के बीच जो है डोंगाकोरत गांव में, जहां की सड़क पूरा कचूमर हो गया है। बीते 3-4 साल से ये सड़क के खस्ता हाल, लगातार यहां कई दुर्घटना हो चुके हैं, कईयों के जान जा चुके हैं तो कई एक हाथ पैर टूट चुके हैं। हम इस सड़क की बात करते हैं तो यहां क्षेत्रीय विधायक के गृहग्राम भिलौनी भी आती है, पूर्व जो इंदु बंजारे थी वो, उनके द्वारा लगातार कई तरह के वो तो किया गया लेकिन अब तक अमलीजामा नहीं बन पाया। और बीते वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने भी किसी तरह के कदम नहीं उठाए इस सड़क को बनाने के लिए, अभी वर्तमान सरकार भी किसी तरह के कदम नहीं उठा रहा है और प्रशासन से लगातार ग्रामवासी जो है गुहार लगाते थक गए हैं। आखिरकार अब यह धरना और आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं आक्रोशित ग्रामीण। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो सड़क के बीच में यहाँ मैदान पर उतरे हैं और लगातार नारा लगा रहे हैं कि सड़क बनाओ और जान बचाओ करके। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या होती है और कितने दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं अभी तक? यहाँ रोज दुर्घटना होते हैं, यहाँ आए जाए में रोज परेशानी होते है, देख लेवा कत्ता बड़े बड़े गड्ढा है, यदि तो कम है और आगे रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढा है। लड़का मन की स्कूल ड्रेस में देखा पूरा कैसे है, एकदम से पूरा रोज कीचड़ में लथपथ हो जाते है, मन स्कूल जाते तो मतलब बैठे में भी परेशानी होते और रोज दुर्घटना होते, 5 जन 10 जन रोज गिरते रोड में। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे गांव के डोंगा कोहरौद के रोड ला जल्द से जल्द बनाए। हमन कलेक्टर ऑफिस भी गए रहे जन दर्शन में 10 तारीख के 10-6 के, तो वहाँ आश्वासन देहरी से कि बन ही कहके, ओकर बाद आए तो दूसरा दिन ही गिट्टी गिराए के चालू हुई से वह गिट्टी गिराई से, लेकिन बड़े बड़े गाड़ी चला थे भारी वाहन तेकर से गिट्टी पूरा ए पार फेंका गए और एक भी गिट्टी नहीं है, पूरा गड्ढा के गड्ढा जस के तस हो गए। और इससे देर करेंगे जांजगीर से संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, बहुत ज्यादा परेशानियां लोग अपनी गिना रहे हैं और शिकायत भी की गई है मुख्यमंत्री से, आज भी बार बार गुहार लगाई जा रही है कि सड़क बनवा दीजिए अब। जी आपको बता दूं, ये तस्वीर दिखा रही है यहाँ पे ना पूरे गड्ढे के ऊपर सड़क बने हैं, शायद वो मलबा नहीं दिख रहे हैं और आपको दिखा रही है तस्वीर, ये गड्ढे में रोज हादसे के लोग शिकार हो रहे हैं, कईयों की जान चली गई है, वो जो है एक्सीडेंट होने के बाद जो है स्कूल उनके मास्क कमा रहे हैं, महिलाओं में काफी आक्रोश है। ग्रामीण वासी से हम बात करते हैं किस तरह से यहाँ आक्रोश भरा है और सरकार के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी इन लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं, धरना आंदोलन के लिए उतारू हो चुके हैं, आखिर कितना सहे, प्रशासन के पास जाते हैं तो इधर से उधर से बात करते हैं, आखिर इनकी सुनवाई कहां पर होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। उच्च अधिकारी कुर्सी पर बैठ के सिर्फ तमाशा देखने को ग्रामीणों को मजबूर कर दिया है। हम बात करते हैं यहां, जी बताएंगे यहां किस तरह की समस्या होती है और क्या समस्या है। मूल वजह यहां का खराब रोड, यहां हमारी कुछ नहीं सुनी जाती, हमारे हक में आता है तो सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन आता है। ये रोड पिछले न जाने कितने सालों से ऐसे ही है, जब तक यहां पर कुछ दुर्घटना कुछ हादसा नहीं हो जाएगा तब तक शासन और प्रशासन ध्यान नहीं देंगे। हम सब बहुत आक्रोश में हैं और अगर ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अभी आगामी पंचायत चुनाव आने वाला है, हमारी सुनी जाए, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, जिला प्रशासन हाय हाय।
जिस तरह से जिला प्रशासन और सत्ताधारी के साथ साथ पूर्व जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो आक्रोश है वो काफी मुश्किल में डाल रही है। लोगों की चिंताएं हैं कि आखिर उनके घर परिवार उनके परिजन कोई दुर्घटना के शिकार ना हो जाए, क्योंकि दुर्घटना के शिकार काफी समस्या होती है। जी बताएंगे किस तरह की समस्या होती है, जी बताइए आप। यहाँ बहुत समस्या होते है, रोज के स्कूल के जाना आना है, वो रोज बाधित होते, वह पानी भी गिरते, थोड़ा सा भी पानी गिरते तो कीचड़ में लड़का मान ला गाड़ी नहीं आवाए, स्कूल जावा नहीं, स्कूल के रोज काम हो जाते वो मन के। प्रशासन आपको किस तरह गुमराह कर रही है, क्योंकि प्रशासन के पास आप गए, समस्या का समाधान निकला, कलेक्टर और एसपी के पास गए तो क्या हुआ? प्रशासन के पास लग गए थे हम लोग तो आश्वासन दिए थे कि बनेगा और गिट्टी डलवाए थे दूसरे दिन ही, लेकिन वो गिट्टी भारी वाहन के चलते इधर उधर बिखर गया है और पूरा गड्ढा जस के तस हो गया है। क्या चाहते हैं ऐसे प्रशासन के अधिकारी जो निकम्मे हैं, जो समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो उसको क्या उस कुर्सी में बैठने का अधिकार है? नहीं, अधिकार नहीं है, उनको तुरंत हटाया जाए और जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, और जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब लोग हम लोग पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस समस्या के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस समस्या का शासन को मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, रोड तो पीडब्ल्यू का है, तो सरकार चाहती तो वो तुरंत बना सकती थी, और यहाँ जो खेत में टावर लगा है उसके लिए हौज खड़ा करके उन्हें टावर लगा लिए, लेकिन रोड के लिए उसके पास कोई निश्चित ही प्रशासन की जब काम आती है तो वो अपने फौज लगा के जो है अपने काम निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, लेकिन जब ग्रामीणों की समस्या आती है तो वो मन साथ लेते हैं। हम एक लड़की से बात करते हैं जिनकी परीक्षा में मार्क्स कम आ गए, इनकी एक्सीडेंट हो गई थी और वो स्कूल जाने से वंचित हो गई, पढ़ाई कम हुआ, चूंकि गाँव में संसाधन कम होते, ट्यूशन की सुविधा नहीं होती, इस कारण वो सही समय पर स्कूल न जाके पढ़ाई न कर पाए, इसके कारण इसको 12वीं में जो है ये शायद प्रदेश के टॉप 10 में होती वो भी वंचित रह गई। जी बताइए आपको किस तरह की समस्या हुई? सर यहाँ तक कि मेरे को पता है कि मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा आता है, मैं स्कूल न जाने के कारण मेरा मार्क्स बहुत कम आया, क्योंकि इस रोड में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे पैर में चोट आ गया था, इसका कारण मेरा मार्क्स बहुत कम आया। इसका जिम्मेदार है सिर्फ शासन को देना चाहूंगी, सरकार जो है वो इस रोड को बनाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार को देना, यानी कि कुल मिलाकर कैलाश यहाँ पर जो छात्रा है इसकी जाहिर सी बात है भविष्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ हो गया, क्योंकि एंड मौके पर इसके पैर में फ्रैक्चर आ गया और उसकी वजह से एग्जाम दे पाना मुश्किल रहा। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, आप अपनी बातचीत लगातार जारी रखिए और आप ये देखिए कि जो हर वर्ग इस खराब रोड से परेशान है, और देखना यह कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या कोई यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। खबर बलौदाबाजार से, जहां हिंसा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है, शैलेंद्र बंजारी की गिरफ्तारी हुई है और अब तक हिंसा मामले में 155 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर हिंसा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है, शैलेंद्र बंजारे नाम है जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अब तक हिंसा मामले में 155 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे, दिखाएंगे आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की, आज कपिला गौशाला संवर्धन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य अच्युतानंद जी महाराज साहब, आपके चरणों में प्रणाम। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, बहन कलावती दीदी, नगर निगम सभापति अध्यक्ष, इस अवसर पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमिल्ला, नगर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सभी माननीय एमआईसी के मेंबर, सभी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी से लगा करके हमारे सारे वरिष्ठ जन सबके लिए ताली बजाओ, और महाराज जी आपको भी प्रणाम करता हूं। रत्ना खेड़ी नाम तो पता नहीं किन्ने रखा होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे पास ये 10 प्रकार के सुख माने गए हैं। उस 10 प्रकार के सुख में से आपके अपने 10 पुत्र हो और 10 पुत्र के बजाय एक गोमाता हो तो 10 पुत्रों पे एक गोमाता भारी है। यह हमारा अपना प्राचीन काल का ये परमात्मा की दया से दिया गया एक अपना मापदंड है। गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात इस चराचर जगत में गाय ही हमारी सबकी माता है,
जैसे वसुंधरा हमारी माता है, पृथ्वी माता, हमारे देश को हमने भारत माता माना है, लेकिन ये स्थूल शरीर में है, स्थिर रूप में है, प्रकृति के रूप में है, लेकिन जीवंत रूप में अगर हमारा संबंध आता है तो गाय माता से आता है। और गाय माता की विशेषता उनके सिर पे होने वाले दो सींग, हमारे यहां भगवान महाकाल के दर्शन करो या गोपाल जी के दर्शन करो, एक मंत्र बोलना पड़ता है, उस मंत्र को बोलो तो सच्चे अर्थों में भगवान के दर्शन अपने को लगते हैं। उसको बोलते शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। अगर महाकाल के दर्शन करो तो भगवान विष्णु को याद करो, गोपाल कृष्ण को याद करो, भगवान राम को याद करो, या राम जी गोपाल जी को याद करो तो अपने आप में भगवान शिव को याद करो। इसलिए इनके दो मुंह पे ऊपर बने हुए सींग ये भगवान विष्णु और शंकर भगवान के प्रतीक के नाते से है, जिनको वो माथे पे लेकर के अपनी प्रकृति में अपनी विशेष पहचान लेके दुनिया में अपनी अद्वितीय छटा बिखेरती। हमारे द्वारा पद्म पुराण में गोमाता के मुंह के अंदर चारों वेदों का वास माना गया है। ये हमारे चारों वेद गोमाता के मुंह से निकलने वाली मां की आवाज, अर्थात हमारे अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे अर्थों में स्पंदन देने का काम करती है। एक मां के जन्म से होने वाला भ्रूण आगे जाकर अपनी पहचान मनुष्य की बनाता है, लेकिन मनुष्य से बनने वाला ये अलग प्रकार की दुनिया में जाने के बाद संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, सभ्यता होगी, तो देव मार्ग पे जाएगा। और जाने अनजाने अगर वो गलत मार्ग पे चला गया तो परमात्मा की लीला है, इसी जगत में देव भी बनते दानव भी बनते, लेकिन देव और दानव के बीच में जो गोवंश की रक्षा करे। इसलिए कहा जाता है जगत जिजाय कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव नमः। ये जो अपने आप में मंत्र है ये हमको गोविंद की तरफ ले जाता है, और गोविंद की तरफ ले जाने वाला मंत्र हमको हमारी संस्कृति से भी जोड़ता है। इसलिए हम सब मिलकर के द्वापर में माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को पाला पोसा, उनके जीवन में सब कुछ लुटाया, और यशोदा माँ के जीवन पे थोड़ा एक पक्ष अभी दबा हुआ है। यहां पर हम सबको एहसास करना चाहिए, यशोदा मैया और नंद बाबा का दो मित्रों की दोस्ती है, एक वसुदेव देवकी है और एक यशोदा माँ और नंद बाबा है। अपने दोस्त के बच्चे लगातार मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और दोस्त जेल में है, तो दोस्त के जेल में अपने बच्चे को बचाने के लिए कृष्ण भगवान, बाद में उनने विराट व्यक्तित्व दिखाया अलग बात है, लेकिन तब तक तो केवल भविष्यवाणी थी, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी में भी अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए अपनी बेटी को वासुदेव के हाथ में मरने के लिए दिया, और दोस्त के बच्चे को पाल करके जीवन भर एहसास नहीं होने दिया। आप अंदाज लगा लो, कोई अपने जिगर के टुकड़े नवजात बच्चे को कोई मरने के लिए दे सकता है क्या? यशोदा माँ का कितना बड़ा पराक्रम, कितना पुरुषार्थ है दोनों पति पत्नी का, कि अपने बच्चे को मरने का दे करके मुंह पे एक बार सिकन नहीं लाया, और कृष्ण भगवान को ऐसा पाला पोसा जो उनके सगे बच्चे से ज्यादा आनंद के साथ उनके साथ उनका जीवन गया। उनका ये कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितना पराक्रम, और जीवन भर उनको कोई भूल से भी कोई कष्ट आ जाए तो बचाने का काम किया है लगातार। कंस जैसे महाशक्तिशाली से, जो गोकुल और वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है, 15-20 किलोमीटर की दूरी में, आज के समय में भी थाने के पास में कोई अपराधी को रख ले, हिम्मत होती किसी की? लेकिन वैसे समय में भी अपने बच्चों को तो मरने को दिया ही दिया, लेकिन उससे बढ़कर के अपने आप को भी उस संसार के उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्यकर्ता से जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवान का लालन पालन हम करेंगे इतनी हिम्मत से। तो लाला कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया को पाला पोसा तो माता यशोदा ने, लेकिन सच्चे अर्थों में गोपाल तो गाय माता ने ही बनाया, ये आनंद है कि नहीं? अगर गाय माता नहीं होती तो गोपाल कैसे होते?
इसलिए गोपाल के नाते से संसार भर में योगी राज श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की, इस कृष्ण भगवान में जब तक गोपाल नहीं लगे उनको भी आनंद नहीं आता है। हमेशा अपनी पहचान गाय माता से बना के रखी। ये गोपाल के साथ गाय माता जुड़ने का मतलब ही है प्रकृति से प्रेम, मूक प्राणी से प्रेम, 33 करोड़ देवी देवताओं की छत्र छाया। और इस बदलते युग में अभी काल के प्रवाह में हमारी गौ माता पे भी संकट आया है। ये आज के इस अवसर पर सरकार के मुखिया बनने के बाद हमने विचार किया है कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी, सभी कामों में विकास होगा, जो हो सकता वो सब होगा। तो ये रतन धन की खान रत्नाखेड़ी में गौ माता कैसे असहाय मर सकती है, इनकी चिंता करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए ये गौशाला को अच्छा करने का काम भी किया है। और संयोग से महाराज जी हमारे बीच मिले हैं, हमारे लिए संत परंपरा जैसे भगवान सूर्य लगातार हमको जीवन देते, उष्मा देते, ऊर्जा देते, तिल तिल करके वो जीवन भर जलते रहते हैं लेकिन बाकी सबको जीवन देते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में भी संत हमेशा हमको छाया देते हैं। आपको अपने जीवन का ये अग्नि वस्त्र, ये लाल कपड़ा कहके हम कभी कभी अपमान कर देते हैं, ये लाल कपड़ा नहीं है, अग्नि वस्त्र है। जैसे जीवन भर सूर्य की देवता का रंग अग्नि वस्त्र की तरह दिखाई देता है, ये जीवन में धारण करके अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए लेकिन अपनी ऊर्जा से सबको प्रकाशित करते रहते, सबके जीवन में उष्मा देते, जीवन की मूल धारा से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी कपिला गौशाला से जुड़े आज आनंद आ गया, जोरदार ताली अपना अभिनंदन करो अच्युतानंद महाराज का। ये यहाँ पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगभग 50,000 गौ माताओं का जो आपने बात कही सही कही है, अभी उनने ग्वालियर के अंदर से काम चालू किया था। आमतौर पे नगर निगम की खिड़क होती थी, खिड़क मतलब जेल, और जेल किसकी, गौ माता की। ये कितना एक तरह से डरावना शब्द था, गौशाला नहीं हो सकती, खिड़क होगी, और खिड़क होगी तो जिस गाय को सड़क पे घूमते देखा जाएगा, बछड़ा हो, सांड हो, गाय हो, बैल हो, लाके बंद कर देंगे। और जैसे हमने देखा सरकारी व्यवस्था में एक कमजोरी आ जाती कि मन का भाव निष्ठुरता में चला जाता, क्योंकि प्रवृत्ति दंड देने की होती, तो दंड देने के चक्कर में मूक प्राणी, उसको क्या मालूम कौन सी सड़क है, कौन सी गली है, वो तो अपने पशु मालक ने जो छोड़ दिया जैसा, वो अपनी दुनिया में विचरती है और इधर से खड़क वाले लाके पकड़ के पटक देते हैं। दुर्भाग्य से समय पे देखो नहीं देखो और गाय माताओं को लाकर बंद करने से कई बार अपराध होता कि गाय मरती है, नुकसान होता, अच्छा नहीं लगता। कितने चित्र देखे थे हमने, लेकिन आज ये गौशाला पूरी बदल गई आधुनिक यंत्रों के साथ। महाराज जी ने पहले ग्वालियर की गौशाला सबसे अच्छी करी, 5,000 से ज्यादा गाय माता वहां बहुत आनंद के साथ ग्वालियर में है। हमने तय किया, जैसे मैं गया था देखने, खाली गाय माता नहीं रख रहे महाराज जी, गोबर गैस प्लांट और तमाम प्रकार की सीएनजी गैस से लेकर पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे सामने कितना बढ़िया महादेव की अपनी प्रतिमा दी, हमारी रामायण जी को पढ़ने के लिए लकड़ी के बजाय गोबर का बना हुआ अपना उनका स्टैंड बनाया, ऐसी बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं। तो आज ये कपिला गौशाला के माध्यम से, और महाराज जी की विशेषता है आधुनिक यंत्रों का उपयोग करवाते हैं, और मजे की बात है कि अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहते, सरकार की गौशाला, सरकार के संसाधन, सरकार ही करे, लेकिन वो उनका मार्गदर्शन देते ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, अव्यवस्था नहीं हो। इसीलिए बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, गाय माता को कैसे रखा जा सकता है, खाने के लिए चूंकि इतना सारा चारा मिलेगा तो काट पीट के बनाओगे कैसे, तो मजदूर की कम से कम स्थिति बना करके जल्दी से तैयार करना। या हमको ऊपर बाहर लाल रंगा बड़ा एक मशीन दिखाई दे रही है, एक साथ 1,000 गायों का चारा काट पीट के मिला मुलू के और मशीन से ही भरने का काम ये अपनी गौशाला में हो जाएगा, कितना अच्छा काम है यार। कब तक हाथ से काटते काटते हाथ ही दुख जाएंगे, कैसे बांटोगे, बांटते बांटते हालत खराब हो जाएगी। साफ सफाई के लिए भी सभी प्रकार के यंत्र आप लाए, तो मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता भी है सरकार की ओर से, और आपके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल,
देवास अभी ये जो मुख्य मार्ग पे जहां से गायें मिलती अधिकतर बरसात के समय पर, उनको अभी हमने टारगेट किया, बाद में धीरे धीरे करके प्रदेश में ले जाएंगे। लेकिन ये सारी गौशाला जो सरकारी, इसके अलावा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत वहां तक भी जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाय पालना भूल जाए, केवल गौशाला में रखे, इसलिए गौशाला के बजाय लोग घर में भी गाय माता पाले, इसलिए हमने इसके ऊपर भी बोनस प्रारंभ किया है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं पे, चने पे, अलग अलग फसल पे बोनस दे रहे हैं, इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार के द्वारा बोनस चालू किया जाएगा, ताकि लोग घर घर गाय माता पाले। गौशाला में तो जो ऐसी गाय माता जो दूध नहीं देती है, लंगड़ी लूली कोई कारण से अपाहिज हो गई, दिव्यांग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको गोमाता की गौशाला में रखा जाएगा। और अच्छी दुधारू गाय है तो आप अपने पास रखो, लेकिन ये दूध का व्यवसाय भी सबको अपने जीवन बदलने में सार्थक भूमिका अदा करे। ये प्रशिक्षण भी चालू करा रहे हैं कि 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय आप रख करके, इसलिए गौ माता की नस्ल सुधारने का अभियान भी चल रहा है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, अगली बार यहां कलेक्टर साहब सुन रहे हैं तो भोपाल पहुंचाना मेरी बात, ये अगली बार विदेशी गाय का फोटो लाना ही मत, जब भी लाओ देसी गाय का लाओ, हमारे यहां कम थोड़ी है। ये काय की जर्सी, होस्टन, ये अपने काम की नहीं है, अपनी तो देसी गौ माता की बात ही अलग है। अपनी देसी गौ माता की क्वालिटी, उनकी अपनी विविधता भी ऐसी है, गिर है, साहीवाल है, थार पारकर है, आजकल तो पुंगुरु करके एक अपनी गाय माता उड़ीसा और आंध्र में मिलती है। गाय की हाइट ही ऐसा लग रहा है कि एक साल भर का केड़ा ही होगा, लेकिन वो गाय माता पूरे बच्चे बच्चे देकर के, और गाय का दूध कितना महंगा, उस गाय माता का दूध 1000 रुपए लीटर मिलता है अनिल जी, पुंगरू गाय का। लेकिन ये गाय माता के अंदर आजकल इनके अपने वंश बढ़ाने के लिए दूसरे प्रबंधन भी होंगे कि देसी गौ माताएं खूब फाले फूले आगे बढ़े, अपने सारे प्रयास रहेंगे। आज मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन और नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से इस गौशाला का स्वरूप बदला है। सरकार आपके साथ है, निश्चित रूप से आप इसी अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहे, मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई। आभार प्रदर्शन के लिए आयुक्त नगर निगम श्री आशीष पाठक सर। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, यह स्वच्छता मिशन स्वच्छता के क्षेत्र में, स्वच्छता मिशन जिसमें उज्जैन रहे नंबर वन, यही मुख्यमंत्री जी का संकल्प। इंदौर की जगह अब उज्जैन इसमें अग्रणी हो, बाबा महाकाल की नगरी अग्रणी हो, और हल भेंट किया जाएगा उज्जैन दक्षिण के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर भारत सिंह जी, आदरणीय भारत सिंह जी, क्या नाम है, भारत सिंह जी बेस और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। यह हल जो समस्या का भी हल है, मैं माननीय आशीष पाठक जी से आभार प्रदर्शन के लिए अनुरोध करूं।